हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ट्रैवल्स वन पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप OBS में किस तरीके से आपको वीडियो का सेटिंग्स आपको यहाँ पे करना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि कैसे यहाँ पे OBS में हमें जो हमारा वीडियो का सेटिंग है इस किस तरीके से हम उसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको OBS ओपन करना है। एंड एक बार आपने OBS ओपन किया तो आपको सेटिंग्स पैनल में जाना है। एंड जब आप सेटिंग्स पैनल पे जाओगे तो आपको इन सेटिंग्स को फॉलो करना है ताकि आपके वीडियो में भी इसी प्रकार की क्वालिटी मिल सके एंड जो आपका फाइल साइज़ होगा वो भी कम यूज़ होगा एंड जो आप स्ट्रीम करोगे वो भी स्ट्रीम की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होगी। तो इस वीडियो में अभी मैं यही बताने वाला हूँ। तो एक बार आपने सेटिंग्स पैनल को ओपन किया तो आपको यहाँ पे अगर आप YouTube पे स्ट्रीम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन पे जाके अपना स्ट्रीम की को यहाँ पे पुट करना होगा एंड आप YouTube गेमिंग या YouTube को सिलेक्ट करना होगा। एंड अगर लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ OBS से वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो अब मैं जो सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ वो सेटिंग्स आप जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन होगी एंड जो उस वीडियो का जो फाइल साइज़ होगा वो भी कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो आउटपुट सेटिंग दिख रहा है ना यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एंड एक बार आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आउटपुट मोड को सिंपल रखिए एंड जो आपका वीडियो बाइट रेट है उसको आपको 1000 KB/s पे रखना है। एंड जो आपका एनकोडर होगा, आपका जो एनकोडर होगा वो आपका सॉफ्टवेयर X264 एनकोडर होगा। एंड जो भी सेटिंग में यहाँ पे दिया हुआ है वो सेम सेटिंग आपको यूज़ करना है। एंड जो मेन ये जो सेटिंग था वो स्ट्रीमिंग के लिए मैं आपको सेटिंग बताया हूँ। एंड अगर आपको अभी रिकॉर्डिंग करना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना होगा कि जो आपका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है उसको आपको MP4 फॉर्मेट में इसे रखना होगा। एंड सेकेंड बात, जो आपका रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उसको आपको हाई क्वालिटी पे रखना होगा या फिर मीडियम फाइल साइज़ पे रखना होगा, यानी कि आपको हाई क्वालिटी एंड मीडियम फाइल साइज़ पे इसे रखना है ताकि जो हमारा जो आउटपुट है वो बेहतरीन आउटपुट हो, उसके साथ ही साथ जो फाइल साइज़ होगी वो भी कम होगी। एंड जो आपका एनकोडर है वो आपका सॉफ्टवेयर X264 एनकोडर होगा। तो आउटपुट में आपको सिर्फ इतना ही करना है। एंड फिर अब ऑडियो की बात आती है, तो ऑडियो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आई बटन में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो का लिंक देख सकते हो और वो वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे मैंने इस प्रकार की ऑडियो को OBS सॉफ्टवेयर में एडिट किया हुआ है, वो भी डायरेक्टली लाइव एडिटिंग के साथ कैसे आप ये ऑडियो को एडिट कर सकते हो बिना ऑडेसिटी की मदद से। तो अब हम ऑडियो के तरफ जाते हैं। तो आपको ऑडियो में बेसिकली आपको क्या करना होगा कि आपका जो डेस्कटॉप ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एंड आपका जो माइक है उसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा माइक आप यूज़ कर रहे हो। एंड अब मेन चीज़ यहाँ पे जो आती है वीडियो, वीडियो की जो रिजोल्यूशन है वो कैसे हम सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड जो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है जो बेस कैनवस रेजोल्यूशन है, यानी कि ये जो अब मैं आप जो मैं अब देख रहा हूँ ये इस कैनवस का रेजोल्यूशन है। तो इसको मैंने 1920x1080 पिक्सल्स पर रखा है। एंड जो हमारा आउटपुट होगा कि आउटपुट हमें कौन से रेजोल्यूशन में चाहिए, HD में चाहिए, 4K में चाहिए, 2K में चाहिए या फिर 720p पे चाहिए, तो इसका रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड मैंने जो आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रहे हैं वो सेम सेटिंग आपको यहाँ पे यूज़ करने है ताकि आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो बेहतरीन हो सके। एंड जो अभी मेन चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एडवांस में जाना है। एंड जब आप एडवांस पे जाओगे तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोसेस प्रायोरिटी, इसको आपको हाई पे रखना है ताकि जो हमारा यहाँ पे जो हम रिकॉर्डिंग कर सके वो रियल टाइम में रिकॉर्डिंग हो सके। एंड फिर जब आपने इतने सेटिंग्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया तो फिर आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो एज वेल एज ऑडियो मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी बी सेफ। बाय फ्रेंड्स।